नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरी पहली फिल्म नहीं है एज प्रोड्यूसर। हाँ, एज सिंगल प्रोड्यूसर मेरी फर्स्ट मूवी बनने जा रही है ओमकारा। और अभी जस्ट ओमकारा से पहले मैंने एक मराठी मूवी प्रेजेंट की थी जिसका नाम रोमकॉम है। और जस्ट रोमकॉम के बाद से, मराठी के बाद से, मैं जस्ट भोजपुरी कर रही हूँ ओमकारा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बहुत अलग बात है कि एक एक्ट्रेस हो के और आप फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें कुछ बहुत अचरज वाली बात नहीं है। वो इसलिए मैंने कहा क्योंकि जहाँ तक बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, और अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि एक एक्ट्रेस हैं जो बहुत ज़्यादा मीन्स 24 आवर्स काम करने के बाद भी न्यूज़ निकला था कि उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। और ऊपर से प्रोड्यूसर इतना काम मीन्स करवाते भी हैं डायरेक्टर्स, और उन लोग को उनका मेहनताना ठीक से नहीं मिलता है, तो वो चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। तो मैंने इसलिए उस पर ज़्यादा जोर दिया कि आप लोग को पैसों की प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी कि मेहनत आप कीजिए और आपको अपना मेहनताना मेरी तरफ से बहुत टाइम से मिले। पर्सनल लाइफ के पर्दे पे काम कर रही हूँ, तो अभी रियल लाइफ में वापस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, मैंने उनको कहा था कि आप भोजपुरी बाहुबली हैं तो आपको चलिए ओमकारा बनाते हैं और एक तांडव करवाते हैं आपसे, बिकॉज आप देखने में बिल्कुल वो एंग्री यंग मैन वाले लगते हैं। तो मैंने कहा आपको एक अब एक ओमकारा का लुक देते हैं और ओमकारा बनाते हैं आपको, तो ही इज़ रेडी। नहीं, वो एक्चुअली धार्मिक त्रिशूल का वो नहीं है, वो मारने के लिए। एक्चुअली जब वक्त पे ना किसी भी इंसान को कुछ भी मिल सकता है तो वो मार सकता है, उससे भाला मिल जाएगा भाले से मारेगा, त्रिशूल मिल जाएगा त्रिशूल से मारेगा। तो वो कोई धार्मिक नहीं है, वो उनको क्या हुआ ना कि हमारे ओमकारा को टाइम पे त्रिशूल मिल गया तो उन्होंने त्रिशूल उठा लिया मारने के लिए। क्या इसमें कुछ नया क्रिएटिविटी दिक्कत वाले? सबसे पहले यहाँ पे मीडिया के जितने भी लोग हमारे आए हैं, दोस्त हैं, सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। इससे पहले 3 महीने पहले मैं प्रिंस जी के साथ एक फिल्म की थी, फिल्म का नाम है नरसिम्हा, जो आप लोग उसका देखे ही सब। ओमकारा जो है ये भी इनका टाइटल है, तो इसमें भी हमारा जो स्टाइल है, टेस्ट है, कमर्शियल है, पब्लिक के बीच में है, और ये करेक्टर नेम से है जिसको हम अपने सिनेमा में हर तरह से उसको पिरोते हैं। तो हमारा एक्शन, गाना और डायलॉग 3 से पब्लिक जानती है, उसी हिसाब से बना रहा हूँ। और कहानी का पूरा जो सार है, तो आप लोग जैसे पहले वेट करते आ रहे हैं, बस 1 महीने के बाद तो सब राज खुल ही जाएगा। देखिए, हमने जो एक्ट्रेस है रूपा सिंह, प्रिंस सिंह, इन दोनों के साथ में मैंने नरसिम्हा किया। तो अभी कुछ ही दिन में 14 जनवरी के बाद ट्रेलर हम लोग उसका लॉन्च कर रहे हैं। तो काम करने के लिए तो हम लोग इतने मतलब रहते हैं, आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रहता है कि 9 का शिफ्ट 9 से 9 कब बज जाता है पता नहीं चलता है, और अंडर टाइम अपना काम कम्प्लीट हो जाता है। हमारे जितने भोजपुरी समाज है, भोजपुरी दर्शक है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, मैं सबको सलाम करता हूँ। बोलिए सर, बॉडी वगैरह छुपा दिए हैं कि इस फिल्म की तैयारी कुछ लगता है खासी है, क्योंकि इसमें जो बॉडी आप दिखा रहे हैं वो हमें नहीं दिखा रहे हैं, आप क्या दिखाते हैं? ये मेरा खासियत रहते हैं, कभी बॉडी में पर्दे पे दिखाता है, वैसे बहुत मैं सिंपल रहता हूँ भैया, बिल्कुल कोई कभी नहीं पाता है कि हीरो है। कभी कभी तो टेक्नीशियन ना स्पोर्ट बॉय कहते हैं कि भैया आप हीरो हैं, इधर बैठ गए नीचे हो, तो मेरे कुछ पर्दे पे जो देखता, हमारे दर्शक जो देखते हैं पर्दे पे दिखाता हूँ वही। क्या तैयारी इस फिल्म में आपने करके रखी है? आप ओमकारा बनने जा रहे हैं, अलग एक किरदार होगा, और सर आपसे फिर जो चीज़ करवाने वाले हैं क्या है इसके अंदर? जी, सबसे पहले तो जब से हमारी ये टीम एक जुड़ी है नरसिम्हा से, तो हम लोग नरसिम्हा करने के बाद ये पूरा तैयारी कर लिया ओमकारा का।
जब हम लोग प्रॉपर ढंग से तैयार हो गए तब जाके हम लोग अनाउंसमेंट किए और शूट किए हर तरह से। एक फुल कमर्शियल फिल्म है, एक्शन माने हर चीज़ है इसमें एक्शन, क्योंकि वीरू भाई लिखते हैं वो कमाल के लिखते हैं, माने ये सीन के बाद क्या है उसके बाद से क्या है क्लाइमेक्स में क्या है वो जितना अच्छा लिखते हैं उससे बेटर सुजीत जी उसको सजा देते हैं। इतना खुश हो गई है कि परमानेंट आपको अपना हीरो बना रही है कंपनी ने आपको एकदम उनका दिया है, तैयार कर दी है। ये मेरा सौभाग्य की बात है और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा वो है कि एक अभिनेत्री रह चुकी है शिखा जी, बड़ी फिल्म बनाई है और मैंने एक औरत होकर फिर से भोजपुरी फिल्म कम मैंने बार बार बना रही ना जी भोजपुरी के लिए। अच्छा प्रिंस जी, आपको नहीं लगता कि मैम के साथ भी एक पिक्चर करना चाहिए? करेंगे करेंगे, अभी 4-5 महीना बाद एक बहुत बड़ा हम लोग खुशखबरी देंगे। 5 महीना बाद बहुत बड़ा धमाका, बहुत मैंने इससे भी बड़ा धमाका। भोजपुरी होगा? नहीं भोजपुरी ही। सुजीत भी आप बता पाएंगे क्योंकि इन्होंने ही सिलेक्ट किया है, हमारा कुछ हीरोइन के मामले में कुछ भी नहीं रहता है। ये सच है। हाँ विलेन उलन रहते हैं, मैं विलेन जो रहते हैं थोड़ा समय बोलेंगे, हीरोइन में सारा सुजीत भी ऑल, मतलब खाली मैं सजेशन देता हूँ खाली एक दो विलेन चाहे करेक्टर के जो हमारे करीबी रहते हैं, नहीं तो बाकी हमारा कुछ नहीं रहता है। और सुजीत सर के साथ काम करने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी दोस्त हमारी जो मित्र है शिखा मिश्रा वो प्रोड्यूस कर रही है और एक मंडा होने के नाते वो चीज़ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी एक लड़की हूँ और एक लड़की उस चीज़ को प्रेजेंट कर रही है और उसकी निर्मात्री है, तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि वो हम दोनों एक दूसरे का दुख समझेंगे और हम दुख समझने के लिए हैं और सर के साथ काम करने में ना बहुत मज़ा आता है। मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है और सेट पे ऐसा नहीं होता है कि बहुत ओवरलोड काम में, मतलब कितना भी काम कराते हैं पता ही नहीं चलता हमने कब काम खत्म, क्योंकि बहुत प्यार से काम करवाते हैं, पता ही नहीं चलता डायरेक्टर है, बिल्कुल लगता ही नहीं। सर के बारे में क्या कहेंगे, आपके साथ जुड़ी आपकी चलने वाली है, आप और मैं उसकी जुड़ी आपको क्या जी? तो हमारे जनता जनार्दन है वही है जो हमें ब्लॉक कर सकते हैं, कभी भी प्यार मिलता है, बस यही चाहूँगी जैसे इतने दिन से प्यार देते आए हैं आगे जैसे प्यार करते रहें। प्रिंस जी के और डायरेक्टर जी के बारे में क्या कहना है आपका? उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, हम सबकी ट्यूनिंग अच्छी है, पूरी यूनिट की, हमारी ही नहीं केवल पूरी यूनिट की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। जितने टेक्नीशियन है इतना सपोर्ट करते हैं भैया कि मैं क्या बताऊं। क्या जी? अच्छा सुजीत सर, प्रोड्यूसर के पीछे एक बहुत बड़े शख्स का हाथ है, उनका कितना सहयोग रखता है इस फिल्म को कंप्लीट करने में? वो पर्दे पे बहुत कम आते हैं। देखिए हमारे जो भाई है अजीत दोस्त हैं जो शिखा जी के पीछे खड़े हैं वो महेंद्र जी हैं, तो उन्होंने काफ़ी खैर देवन पहले दिन बोल दिया कि आप पिक्चर अच्छी बनाइए, पैसा चाहे जितना लगे पिक्चर अच्छी बननी चाहिए। तो जब उन्होंने ये वर्ड दे दिया है तो मुझे पैसा भी देखना है और पिक्चर भी देखना है, तो उनके तरफ से 1000% कॉर्पोरेशन मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं महेंद्र जी से गुजारिश करूँगा आए कुछ मीडिया के सामने दो शब्द कहे। आइए भैया, महेंद्र जी से गुजारिश करूंगा कि मीडिया को अपने फिल्म के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, हीरो के बारे में और अपने जो प्रोड्यूसर है शिखा जी के बारे में दो शब्द कहे ताकि मीडिया इस चीज को फेस टू फेस पब्लिक को भेजे। देखिए डायरेक्टर के बारे में तो मैं अगर तारीफ करूं तो वो तो शायद कम ही होगी और पब्लिक जानती है कि हाँ डायरेक्टर का एक लेवल क्या है इनका, और मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रहा प्रिंस जी का, तो प्रिंस जी भी आज की डेट में जो मूवी इनकी अभी पिछले मैंने एक टीज़र देखा था इनका जो कि काफ़ी अच्छा, और नरसिम्हा का शूट किया है इन्होंने, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि वो फिल्म बहुत अच्छी हिट जाए। और शिखा जी के बारे में तो सब पहले से ही सब लोग जानते हैं कि हमारी एक अच्छी धर्म पत्नी भी है और साथ साथ अच्छी एक बिजनेस वूमेन भी हैं।
रूपा हीरोइन के बारे में बता दीजिए। रूपा हीरोइन के बारे में तो देखिए करने की जरूरत नहीं, तारीफ कर सकते हैं क्योंकि दोनों दोस्त हैं, बता रहे हैं मेरी साली हैं। वो तो हमारी साली हैं तो इसलिए अब उनके बारे में मैं मतलब तारीफ करूं तो घर के शिखा ग्लोबल एंटरटेनमेंट के बारे में ये बताना चाहूँगा कि हमारी कॉरपोरेट भी कंपनियाँ हैं और सारी कंपनियों का हमारा एक ही है शिखा ग्लोबल जो है। ये हम चाहते हैं कि शिखा का जो नाम है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो और इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि जो भी हम अच्छा होगा वो करते रहेंगे फ्यूचर में लोगों के लिए। और सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि जो पब्लिक और जो आज की बेटी बहन महिलाएं जो भी हैं शिखा जी के नाम को मतलब जब आए तो ये बोले कि हाँ इन्होंने कोई अच्छी चीज़ बनाई है और हमेशा ये अच्छी चीज़ लेके आए। और हालांकि सुजीत जी भी उस पर काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं कि जो ये चीज़ को उनके साथ में खड़े रहेंगे। और प्रिंस जी तो ऑलमोस्ट हमारे भाई हैं और हमेशा वो साथ में हैं हमारे। अच्छा एक चीज़ और सर कि आपने बहुत सारी फिल्में बना दी माशाल्लाह, आपकी पर्सनालिटी देखिए, कभी शिखा जी और आप किसी पर्दे पे आ सकते हैं? सोचेंगे कभी अगर मौका मिला तो ज़रूर हम और शिखा जी एक बार प्रिंस और सब साथ में ही आएंगे। डायरेक्टर साहब भी यही पे सर कुछ अच्छी से कहानी लिखी है। मैंने बोला ना कि 5 महीना बाद बहुत बड़ा एक धमाका होने वाला है। आ सुनिए ना बच्चे भी रहेंगे वो भी सिल्वर रहेंगे। चंद दिनों की बात है ठीक है, इसके बाद हम साथ में और दो लोग के साथ बैठेंगे। चांदनी जी आई हैं ले ली, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सुजीत सर के साथ पहले भी काम की थी क्रेक फाइटर, जो मुझे एक नया नाम मिला, बहुत काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा क्रेक फाइटर में एक सॉन्ग करके, तो सुजीत सर के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत हैप्पी हूँ। सुजीत भैया का चॉइस है। एक महिला प्रोड्यूसर बनके फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको इस महिला सशक्तिकरण को देख के, मजबूती को देख के अब हीरोइन से फिल्में बनाने लगी? नहीं बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, और पहली बार मैं शिखा मैम से मिल रही हूँ तो अच्छा लगा और आगे भी चाहूँगी काम करूँ। कैसे इस गाने में बहुत धमाकेदार गाना है, हमने तो सुन लिया, दर्शकों को सुनने मिलेगा एक आध हफ्ते या एक महीने के बाद, तो क्या तैयारी है, मास्टर जी के बारे में क्या कहेंगे, पहले से कुछ आपको अचानक क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो काम करेंगे हम लोग साथ में, पहली बार काम कर रहे हैं तो अच्छा ही है, और मिले पहली बार ही हम लोग मिले तो अच्छा लगा। रूपा जी फिल्म की हीरोइन बनकर, हाँ मैंने सुना है, सॉन्ग भी देखा है आपका। वो सर फिल्म के प्रोड्यूसर होंगे वाले, देखो प्रोड्यूसर सीखा मैंने, हस्बैंड मेरा हस्बैंड है ना, वो भागते रहते हैं कैमरे से, इसके लिए भी सर की बिदारी हुई। गोविंद जी उनके पीछे हाथ फेर दोगे, गुड विशेस से सबके लिए, सही बात है, अच्छी फिल्म है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है और सॉन्ग एक से एक सॉन्ग है, जब भी आएगा धमाल मचाएगा।